सभी को नमस्कार। तो आज हम सेशन शुरू करते हैं परिवर्तन की सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो। तो क्यों जरूरी है परिवर्तन? तो कहते हैं कि जो परिवर्तन है संसार का नियम है, अगर हम बदलाव अपने अंदर नहीं लेके आते तो प्रकृति हमें खुद ब खुद चेंज कर देती है। क्योंकि समय के साथ जो बदलाव है वो बहुत जरूरी है। जैसे हम बात करते हैं, जो पुराने टाइम की हम बात करते हैं, तो पहले जो हम यात्रा करते थे वो पैदल करते थे, उसके बाद फिर बैलगाड़ियों में लोग यात्रा करना शुरू किया, उसके बाद फिर यातायात के साधन धीरे धीरे डेवलप हुए और आज गाड़ियों में लोग यात्रा करते हैं, बाइक पे यात्रा करते हैं। तो ऐसे हम बात करते हैं तो पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आता था, फिर उसके बाद कलर टीवी आया, फिर उसके बाद एलईडी आया, तो और आज जो जमाना है वो स्मार्ट टीवी का है। तो हम भी आज अब बात करेंगे ऐसे ही स्मार्ट बिजनेस की, तो जिसके अंदर हमने क्या, हम सारे तरीके बदल लेते हैं लेकिन अपना एक खरीददारी का तरीका नहीं बदल पाते और जिसके कारण फिर हम बहुत पीछे रह जाते हैं। तो वही पुराना जो तरीका हमारा वही चलता रहता है। तो आज हम बात करते हैं स्मार्ट तरीके को, किस तरीके से हमें खरीदारी करनी चाहिए, कौन सा बिजनेस हमें करना चाहिए, तो क्या वो बिजनेस है। तो बदलाव बहुत जरूरी है, अगर हम बदलाव नहीं लेके आएंगे तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे, क्योंकि हमारा जो खरीदारी का तरीका है उसके अंदर भी हमें बदलाव लेके आना पड़ेगा। जब हम सारी चीजों के अंदर बदलाव लेके आने लगे, बात करें हम पहले VCR होता था, उसके बाद DVD प्लेयर आया, उसके बाद पेन ड्राइव आया और आज जो जमाना है वो ऑनलाइन। तो आज जो हमारा बिजनेस है वो भी ऑनलाइन है, तो स्मार्ट तरीके से हम उसमें अंदर अपनी खरीदारी करते हैं। तो जो हम राशन लेते हैं बाजार से, जो पहले हम लेते थे, जो हमारा जो बिजनेस चलता था वो परंपरागत बिजनेस था, वो सदियों पहले चलता था और आज समय के साथ साथ उसके अंदर बदलाव आना शुरू हो चुका है। तो आज जो जमाना आ गया वो ऑनलाइन का आ गया। तो आज जो हमारे घर में पहले जो सामान आता था वो किस तरीके से आता था हम बात करते हैं। तो हम सारे ग्राहक हैं और हमें कुछ भी प्रोडक्ट की जरूरत होती है, बस घर में रसोई से रिलेटेड, चाहे वो हमारा चाय है, साबुन है, पेस्ट है, तेल है, शैंपू है, चाहे हमारा हल्दी है, मिर्च है, जिसकी भी जरूरत होती है हम वो लेके आते हैं हम दुकानदार। ये जो दुकानदार है ये भी अपने घर पे नहीं बनाता, ये किसी थोक वाले से लेके आता है। हम मान लेते हैं ये किसी वितरक से लेके आता है और ये किसी कंपनी से लेके आता है। तो यहां से प्रोडक्ट चलता है और यहां तक जाता है ग्राहक तक। मान लेते हैं ग्राहक यहाँ कोई किसी भी चीज का अगर MRP 100 रुपये है तो इसको ही आती होगी 80 रुपये की, इसको ही आती होगी 75 रुपये की, इसको ही आती होगी 65 रुपये की और यहां से चलती होगी 35 रुपये की। तो यहाँ कंपनी प्रोडक्ट बनाती है और यहाँ ग्राहक के पास आता है और यहाँ से सामान 35 का चला और यहाँ तक 100 का मिल गया। और सबसे मोटा जब ग्राहक को पता लगता है वो पता लगता है TV के माध्यम से, विज्ञापन के माध्यम से। जब हम TV पे ऐड देखते हैं तो जो चीज हम देखते हैं वही चीज हम मार्केट से लेके आते हैं। तो ये तरीका हमारा जो सदियों से चला आ रहा है। पहले क्या होता था, बहुत पहले अगर हम बात करते हैं तो सामान के बदले हम सामान लेते थे, फिर धीरे धीरे मुद्रा चलन हुई, पैसे के बदले हमने सामान लेना शुरू कर दिया और इस तरीके से हम चलते जा रहे हैं। और ये लोग इसके अंदर पैसा कमाते हैं जो बीच के मिडलमैन, और ग्राहक क्या करता है यहाँ पे खर्च करता है और खर्च जो कमाता है वही वो खर्च कर देता है और फिर ये लोग कमाते हैं, तो उसकी जेब में नहीं रहता कुछ भी। तो इसीलिए इसको बोलते हैं बड़ा सुंदर सा प्यारा सा नाम है इसका कस्टमर। ये पूरी जिंदगी अपने कष्टों में जीता रहता है, इसके घर में कोई पैसा नहीं आता, इसके घर से पैसे जाते रहते हैं। जो ये पैसा कमाता है वही पैसा ये राशन पे खर्च कर देता है। तो ये प्रोसेस है। जो दूसरा जो तरीका है वो है डायरेक्ट सेलिंग। तो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर क्या होता है, यहाँ पे बीच में कोई मिडलमैन नहीं होता, ना इसमें थोक वाला होता, ना वितरक वाला, ना होता विज्ञापन वाला। तो डायरेक्ट कंपनी से ग्राहक को सामान मिलेगा। तो यहाँ पे हमारी जो कंपनी है मोदी केयर,
तो मोदी केयर से डायरेक्ट डाकू बोलेगा, और जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। तो इसके अंदर मोदी केयर से वो सामान खरीदेगा, तो ये सारा का सारा जो बेनिफिट है वो एक सिस्टम के थ्रू डायरेक्ट ग्राहकों मिल जाता है। तो ये वाला पैसा है ये मिल जाता है सिस्टम के माध्यम से, और ये मिल जाता है इसको शेयर करने से। यानी कि इसके अंदर दो काम करने हैं। पहला जो काम है वो है सेल्फ यूज, यूज करने से ये फायदा मिलेगा। अगर वो चाहता है कि मैं विज्ञापन वाला काम भी करूँ, ब्रांड एम्बेसडर वाला भी काम करता हूँ, जो काम अक्षय कुमार करता है, महेंद्र सिंह धोनी करता है, कैटरीना कैफ करती है, अगर आप ब्रांड एम्बेसडर बनना चाहते हैं प्रोडक्ट का, तो सेल्फ यूज के साथ अगर आप इसको शेयर करना शुरू करोगे, बताना शुरू करेंगे, तो ये विज्ञापन वाला पैसा भी आपको आएगा। तो दो काम करने हैं, सेल्फ यूज एंड शेयर। तो ये सारा का सारा बेनिफिट हमें मिलेगा, तो एक सिस्टम के माध्यम से मिलेगा। चलिए कैसे मिलते हैं और हमारी जो कंपनी है मोदी केयर ये कब से है, इसके ऊपर हम डिटेल में बात करते हैं। मोदी केयर जो हमारा ये 1996 से है, और IDSA के फाउंडर मेंबर है, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। और डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत बड़ा बिजनेस है जो वर्ल्ड के 190 देशों में ये बिजनेस किया जाता है। 26 साल हो गए कंपनी को चलते हुए। और मोदी ग्रुप की हम बात करें, जो हमारा मोदी ग्रुप है ये 1933 से है। तो राय बहादुर गुजरमल मोदी जी ने सबसे पहले अपनी चीनी मिल लगाई थी, के अंदर। उसके बाद उन्होंने मोदी दागा, मोदी टायर, एंडोफिल, रेवलोन, तो 1933 से लेके 1972 के बीच में उन्होंने 27 उद्योगों की स्थापना की, 27 कंपनी है इन्होंने लगाई, और 400 रुपए से इन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया था 1933 के अंदर, जो बहुत बड़ी रकम होती थी। और आज इस ग्रुप की बात करें तो ये ग्रुप है हमारा 63,000 करोड़ रुपए का, ये ग्रुप है मोदी ग्रुप। बिजनेस की बात करें, 120 प्लस देशों में बिजनेस किया जाता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करता है मोदी ग्रुप। तो एक बहुत बड़ा उद्योगिक घराने के साथ हम जुड़े हुए हैं, तो बहुत बड़ा इसका एक प्रोफाइल है। जब भी हम किसी भी कंपनी में काम करते हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, सबसे पहले हम उसका प्रोफाइल चेक करें। उसके बाद मोदी केयर की भी हम बात करें, तो आज मोदी केयर 650 प्लस प्रोडक्ट पे काम कर रही है, और हर एक प्रोडक्ट के ऊपर 100% मनी बैक गारंटी है। और इसके जो ओनर हैं मोदी केयर के, वो है समीर मोदी जी। और बात करें 100 रुपए से लेके 125 करोड़ तक कमाने वाले लोग हैं मोदी केयर के अंदर, 10,000 से ज्यादा पर डे ज्वाइनिंग होती है मोदी केयर के अंदर। एक सेकंड के अंदर मास्टर हमारा 8 प्रोडक्ट सेल आउट हो जाते हैं। और टर्नओवर की बात करें, 200 करोड़ पर मंथ हमारा टर्नओवर है महीने का मोदी केयर का। बहुत बड़ा प्रोफाइल है मोदी केयर का, बहुत बड़ा कंसेप्ट है। तो आप इसके अंदर हमें मिलता क्या क्या है, क्या इसके अंदर जो हमारा रजिस्ट्रेशन है वो हमारा फ्री में होता है, इसका कोई पैसा नहीं लगता। सिर्फ हमें एक KYC डॉक्यूमेंट चाहिए, जिसके लिए आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपका पासबुक, और आपका जो मेल आईडी, तो ये 2-3 चीजें हमें डॉक्यूमेंट चाहिए। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, और उसके बाद क्या क्या फायदे मिलते हैं उसके ऊपर हम बात करते हैं। और मोदी केयर सबसे पहला जो फायदा देती है आपको, वो देती है छूट।
5% से लेके 20% तक छूट मिलती है जो भी हम सामान खरीदते हैं। मान लेते हैं किसी प्रोडक्ट का एमआरपी अगर 85 रुपये है, जैसे हमारा पेस्ट है, तो वो डिस्काउंट प्राइस पे आपको मिलता है 70 रुपये। एक पेस्ट हमारा 55 रुपये का, वो मिलता है 45 रुपये। तो ऑल ओवर हम बात करते हैं, जो एक परिवार होता है मीडियम परिवार के अंदर लगभग 3-4 हज़ार रुपए का सामान लग जाता है। तो 3400 रुपए का अगर हम सामान लेते हैं, तो यहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपये देने हैं, जो डिस्काउंट प्राइस होगा 3000 रुपये और एमआरपी होगा 3400। तो यहाँ जो आपकी बचत होती है 400 रुपये की बचत हो जाती है पहले। उसके बाद बात करते हैं हम जो दूसरी बचत होती है इसके अंदर, दूसरा जो फायदा होता है वो होता है आपका ऑफर 10%। तो ये हमारा चलता है, 1000 रुपये का आप सामान लेते हो 100 रुपये का फ्री है, 2000 का आप सामान लेते हो 200 रुपये का फ्री होता है, 3000 का आप सामान लेते हो 300 रुपये का फ्री होता है, 5000 का आप सामान लेते हो 500 का फ्री हो जाता है। तो अभी एग्जाम्पल ये हमने 3000 का, तो 300 रुपये का आपको यहाँ पे फ्री सामान दिया जाता है। तीसरा हम बात करते हैं वो हमारा लॉयल्टी, लॉयल्टी कूपन। तो लॉयल्टी जो कूपन मिलता है आपको 2000 रुपये के ऊपर ये मिलता है 250 रुपये का, और 3000 रुपये आपको जो लॉयल्टी कूपन मिलता है 450 रुपये का, 5000 के ऊपर जो आपको लॉयल्टी कूपन मिलता है वो मिलता है 800 रुपये का, और 7000 के ऊपर जो आपको लॉयल्टी कूपन मिलता है वो मिलता है 1200 रुपये का। तो यहां हमने 3000 का एग्जाम्पल लिया, तो 450 रुपये का आपको लॉयल्टी कूपन मिल जाता है। चौथा जो हमारा फायदा है, जो लॉयल्टी कूपन आपका ये नेक्स्ट मंथ के लिए मिलता है, जब भी आप दोबारा परचेजिंग करते हो ये वाउचर इतने रुपए का आपको सामान ये फ्री मिल जाता है। कैशबैक के अंदर हमारी दो चीजें हैं, एक तो यहाँ पे कंपनी के आप बिजनेस पार्टनर बन जाते हो, कंपनी के आप हिस्सेदार बन जाते हो, तो यहाँ पे दो चीजें मिलती हैं। एक तो मिलता है आपको परफॉर्मेंस बोनस जो मिलता है 5% से लेके 11% तक, प्लस इसके अंदर मिलता है आपका सुपर बोनस, समीर मोदी सुपर बोनस जो हमारा है कंपनी के टर्नओवर का 3%। ये दोनों मिला के आपका हो जाता है 300 रुपये। पांचवा जो आपको बेनिफिट मिलता है वो मिलता है लक्की ड्रॉ। एक तारीख से लेके 20 तारीख तक आप सामान लेते हो, तो 2000 लकी विनर को और 2000 रुपये का सामान इसके अंदर निकलता है हमारा। तो ये आपको 5 फायदे मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ जो हमारा सामान यूज करते हैं सिर्फ यूज करने के। तो बात करते हैं टोटल हम कैलकुलेशन की, 4, 3, 7, 3, 10, 8, 4, 14, 1650 रुपये। खरीदारी कितने की हमने, 3,3200 की, और बेनिफिट मिला हमें 1450। तो ये कैशबैक हमारा ये 60 PV पे है, तो 1450 रुपये का आपको फायदा मिलता है। तो फायदे का सौदा है, ले लेना चाहिए, क्योंकि मार्केट के अंदर ये चीजें हमें नहीं मिलती। और फिर आपको जो क्वालिटी मिल रही है वो तो आपको पता ही है, सुपर है हमारी। तो अब बात करते हैं हम इसके अंदर बिजनेस की, इसके अंदर हम बिजनेस किस तरीके से करें। तो कोई भी बिजनेस करते हैं तो सबसे पहले आपने बनाना है एक मैजिक कॉर्नर। नंबर एक, मैजिक कॉर्नर। अगर अपनी दुकान ही नहीं होगी तो हम सामान किसको क्या देंगे। तो सबसे पहले हमारी दुकान होनी चाहिए, चाहे उसको हम मर्जी आपकी 7000 का बनाओ, 20000 का बनाओ,
या आप इसको 2 लाख का बनाओ, कितने से भी आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हो। तो आपने एक मैजिक कॉर्नर बनाना है। तो जैसे स्टार्टिंग में आपने एज ए यूजर शार्ट पी की खरीदारी करी थी, वो सिर्फ आपने सामान को यूज करने के लिए किया था। अगर आप बिजनेस में चाहते हैं तो आप अपना मैजिक कॉर्नर बनाएं। नंबर 2, अपना गोल सेट करना है कि आपको जिंदगी में चाहिए क्या, आपके सपने क्या है और कब तक चाहिए। तो आपको अपना गोल बनाना है, 6 महीने का आपका गोल होना चाहिए इसके अंदर, 2 साल का आपका गोल होना चाहिए और 5 साल का आपका गोल होना चाहिए। 5 साल के बाद क्या कितनी इनकम चाहिए, क्या क्या करना है, तो ये आपने गोल सेटिंग करनी है अपनी। गोल सेटिंग के बाद आपने बनानी है लिस्ट। जो भी हमारे जानकार हैं, 50 से 100 लोगों की लिस्ट बनाइए और इसको आप 500 से शुरू करो। 500, 499, 498 इस तरीके से ये लिस्ट बनानी है। लिस्ट बनाएंगे उसके बाद क्या करना है आपने, तो 2-4 परिवार आपके साथ जुड़ना शुरू हो जाते हैं। तो फिर हमने क्या करना है, इनका फीडबैक कर लेना है। 5-10 को हम प्लान दिखाते हैं। तो मान लें हमारे पास यू आप हो, आपके साथ ये 2 परिवार आते हैं स्टार्टिंग के अंदर, ये ए ये बी। तो ये 2 परिवार हमारे साथ आए और फिर इन दोनों के हमने अलग की, एक यहाँ पे लगा दिया, एक यहाँ पे लगा दिया। तो टोटल आपके पास 4 परिवार हो गए और आपका जो लेवल हो जाता है यहाँ पे 8% और इनका रहता है 5%। जो परफॉर्मेंस बोनस आपको 300 रुपये आया था वो बढ़ के हो जाता है 578 रुपये। और अगस्त के अंदर जो हमारा अभी ऑफर चला हुआ है, अगस्त के अंदर जो एक्टिवेशन बोनस चला हुआ है वो आ जाता आपको 800 रुपये। 8, 5, 13, 1378 रुपये का आपको यहाँ पे चेक बन जाता। तो उसके बाद क्या है, डुप्लीकेट। तो जैसे हमने किया वैसे ही ये करेंगे। तो जैसे ही ये 4 हो गए तो यहाँ पे भी 4 हो जाएंगे, फिर यहाँ पे भी 4 हो जाएंगे। तो यहाँ करते करते जब आपकी 20 से 25 लोगों की टीम बन जाती है तो आप यहां पे बन जाते हो डायरेक्टर। तो जैसे आप डायरेक्टर बनते हो तो कंपनी आपको डायरेक्टर बोनस देती है। इसके साथ आपको बाइक बोनस मिलता है, इसके साथ आपको नेशनल ट्रैवल फंड मिलता है। ये सारे बोनसेस मिला के जो आपकी इनकम होती है यहाँ पे 5,000 से लेके 7,000 रुपये पर मंथ आपकी इनकम शुरू हो जाती है। अब जैसे जैसे इसको बड़ा करना हमने, जब ये डायरेक्टर बन जाएगा आपकी इनकम 10,000 प्लस हो जाएगी, जब आपके नीचे 4 डायरेक्टर बन जाएंगे तो फिर जैसे हमने धीरे धीरे तीसरी और फिर चौथी 4 लाइनों पर हमने काम करना है। यानी धीरे धीरे हमने 4x4 का स्ट्रक्चर तैयार करना है। जब भी हम डायरेक्टर बन जाते हैं तो 2 लाइनें और हमने अपनी शुरू कर लेनी है। तो जब डायरेक्टर बन जाएंगे 2 लाइनें हम शुरू करेंगे तो हमारा जो स्ट्रक्चर हो जाएगा वो 4x4 का हो जाएगा और आपका लेवल है वो ऑटोमेटिक फिर सीनियर डायरेक्टर, फिर एसईडी, फिर प्लेटिनियम। तो जैसे जैसे लेवल बढ़ता रहेगा आपकी इनकम बढ़ती रहेगी और एक टाइम ऐसा आएगा 5-6 साल बाद कि जो आपकी इनकम होगी यहाँ पे लाखों में होगी और आपके पास सुनने भी बहुत सारा होगा। तो जो हमारा जो बिजनेस है ये नेटवर्क का है। तो जितना ज्यादा इसके अंदर हम अपना नेटवर्क बढ़ाएंगे उतनी बड़ी इनकम आएगी आपके पास। तो नेटवर्क जितना बड़ा होगा उतनी बड़ी इनकम, टाइम जितना मल्टीप्लाई होगा उतनी बड़ी इनकम। क्योंकि अकेला व्यक्ति सिर्फ 8 घंटे काम कर सकता है, अगर 10 व्यक्ति 2-2 घंटे काम करते हैं
तो वो 20 घंटे काम हो जाता है। तो इस तरीके से जब आपकी टीम हजारों में पहुंच जाती है तो टाइम मल्टीप्लाई हो जाता है, नेटवर्क बड़ा हो जाता है, तो आपकी इनकम भी बड़ी हो जाती है। तो ये हमारा बिजनेस प्लान है, तो इस तरीके से हमारा बिजनेस चलता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कुछ प्रोडक्ट के डेमो कि हमारे प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी क्या है, किस तरह की क्वालिटी है, जो मार्केट के प्रोडक्ट हैं और मोदी केयर के प्रोडक्ट हैं उनके अंतर क्या है। ये हमारे पास प्रोडक्ट है, बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, अमृत शक्ति। अमृत शक्ति का क्या काम है तो इसके द्वारा भी हम जानते हैं। मोस्टली जैसे हम कई बार हम देखते हैं हमारे पेट के अंदर गैस बनती है, बदहजमी वगैरह हो जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं, पेट से रिलेटेड ही मोस्टली बीमारियां शुरू होती हैं। तो अमृत शक्ति, तो जैसे ये हमारा पेट है तो सबसे पहले हम इसके अंदर ये इस प्रकार हमारा क्लीन होता है पेट जो होता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे हम खाना शुरू करते हैं तो वो खाना हमारे आंतरियों के अंदर जमना शुरू हो जाता है। वो क्या डिफेक्ट इसके अंदर लेके आता है वो चीजें हम अभी आपको दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसको गंदा करते हैं, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन आ गई इस तरीके से। तो इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर गंदगी आ जाती है, तो धीरे धीरे हमारे आंतों के अंदर वो जमना शुरू हो जाता है। और फिर जैसे हम अमृत शक्ति खाना शुरू करते हैं तो ये अपना रिजल्ट देना शुरू कर देता है। तो किस तरीके से देता है और क्या क्या इसके अंदर है, इसके अंदर है कपूर, अजवाइन, पुदीना सत्तू, लौंग तेल, जो पहले हम अपने खाने में रसोई में यूज करते थे। ये इसके अंदर हमने डाल दिया अभी। तो ये आप देखोगे इस तरीके से हमारे जो ये पेट की है जो क्लीनिंग का काम करता है, सफाई का काम करता है हमारी आंतों को। अगर आंतें हमारी अच्छे से स्वस्थ होंगी, साफ होगी, तो हम बीमार नहीं होंगे, क्योंकि तो पेट साफ तो मोस्टली सब कुछ बढ़िया। तो इस तरीके से ये काम करता है। उसके बाद करते हैं हम बात, जैसे हमारे घर के अंदर हम मोस्टली क्या करते हैं, बर्तन धोते हैं। तो बर्तन धोने के लिए हमारे घर में क्या यूज होता है, बर्तन बार या टिकिया या सरफ जो भी हम बोलते हैं। तो ये हमारी हल्दी है, नेचुरल है, जो खाने में हम यूज करते हैं। दो गिलासों में हमने पानी लिया, आप हल्दी को चाहे किसी भी चीज में डालें, चाहे आप इसको चावल में डाल लें, चाहे आप इसको अपना पानी में डाल लें, चाहे आप इसको सब्जी में डालें या आटे में डालें, किसी भी चीज में डालें, ये अपना कलर देती है। तो सबसे पहले हम हल्दी ये डालते हैं दो गिलासों में। तो अब हम एक में जो यूज करते हैं मार्केट का सरप और दूसरे में यूज करते हैं वंडर ड्रॉप जो एलोवेरा और कोकोनट ऑयल से बना हुआ है। तो ये हमने सरप लिया और ये इसके अंदर थोड़ा सा डाल लेते हैं और दूसरे में हम यूज करते हैं वंडर ड्रॉप जो एलोवेरा और कोकोनट ऑयल से बना हुआ है, जो दोनों हमारे खाने में यूज होते हैं। तो ये आप रिजल्ट देख ही रहे होंगे, आपके सामने ही है। तो एलोवेरा और कोकोनट से बना हुआ है, इसको हम खाने में यूज कर सकते हैं। इसका पानी हम कहीं भी बर्तन बार में या कहीं भी पौधों में गमलों में डाल सकते हैं, लेकिन इसका पानी हम नहीं डाल सकते, ये फूक देगा इसको। ये देख सकते हैं बीमार क्या बना रहा है हमें, बर्तन बार। तो कैंसर तक भी क्रिएट करता है, बहुत सारी बीमारियों का जो कारण है ये बर्तन बार।
इसीलिए हमने क्या करना है घर में, वो अंडर ड्रॉप यूज करना है बर्तन बाहर खींच कर। तो सिंपल सा बिजनेस है हमारा, कोई इसमें कुछ नहीं करना। जो सामान हम बाजार से लेते थे वो आज से छोड़ के हमने मोदी केयर से लेना है। फ्री में रजिस्ट्रेशन है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं, तो खुद हमारी भी हेल्थ अच्छी रहेगी और हेल्थ के साथ हमें पैसा भी मिलेगा। तो इससे बेस्ट कोई भी बिजनेस नहीं है।